नागपुर ग्रामीण तहसील के 11 ग्राम पंचायत चुनाव की ईवीएम मशीन को सोमवार को सील कर दिया गया। सभी राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधि के समक्ष ईवीएम को सील किया गया। नागपुर ग्रामीण तहसील के तहत आने वाले बहादुरा, पंजारी, प्रूरगधाना, दवला मिट्टी, सोनेगांव, निपानी, बोतली, कापसी खुर्द, धामनालिंगा, पेटकल डोंगरी व डोंगरगांव ग्राम पंचायत का चुनाव 15 जनवरी को होगा, जिसके लिए 99 बूथ बनाए गए। 14 जनवरी को मतदान पदक की रवानगी मतदान केंद्र पर होगी। चुनाव 15 जनवरी को 7:30 से 5:30 बजे मतदान डाले जाएंगे। 18 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। बताया गया कि 11 राउंड में 10 टेबल पर चुनाव मतगणना का काम होगा। 115 पदक तैयार है, 99 बूथ पर काम करेंगे। वैसे तो 99 बूथ पर अधिकारी कर्मचारी तैनात होंगे, बाकी 16 पदक इमरजेंसी के लिए बनाए गए हैं। यदि समय पर कोई ईवीएम की समस्या आती है तो अतिरिक्त पदक काम संभालेगा। कुल 460 अधिकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया को संभालेंगे। सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया गया है। यह जानकारी नायब तहसीलदार मोनाली सोनवने ने दी। मशीन सील के दौरान हर टेबल पर पटवारी, ग्राम सेवक, तहसील पंचायत समिति कर्मचारी व चुनाव अधिकारी उपस्थित रहे। तहसीलदार मोहन टिकले, निवर्णुक नायब तहसीलदार नितिन ढाको से पाटिल ने इस प्रक्रिया को संभाला। 11 जानेवारी 2021 रोजी नागपुर ग्रामीण तालुक्यासाठी मतदान यंत्र तयार करण्याची प्रक्रिया तहसील कार्यालय सभागृहात सुरू आहे। एकूण 11 ग्रामपंचायतीसाठी मतदान दिनांक 15 जानेवारी रोजी होणार आहे। मतदानाची वेळ 6:30 ते 5:30 अशी राहणार आहे। आजची जी प्रक्रिया आहे मतदान यंत्र तयार करणे, याकरिता उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांना या ठिकाणी उपस्थित राहण्याबद्दल कळविण्यात आलं होतं। त्यानुसार प्रत्येक टेबलवर उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत, त्यांच्या समक्ष ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येत आहे। वाडी से BCN न्यूज के लिए सौरभ पाटील की रिपोर्ट।